मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद परिवार के अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे बीजेपी नेता को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। बता दें कि बीजेपी नेता पर यह हमला उस समय किया गया जब वो सवेरे के समय पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए हुए थे। दरअसल सोमवार को गुजरात के वापी में तालुका उपाध्यक्ष बीजेपी नेता शैलेश पटेल की अज्ञात हमलावरों द्वारा उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो पत्नी और बच्चों के साथ कार में सवार होकर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गए हुए थे। इस दौरान वापी के डिप्टी एसपी डीएन दवे ने बताया कि बीजेपी नेता शैलेश पटेल अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर कार में सवार होकर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। जिस समय गोली मारने की घटना हुई उस समय बीजेपी नेता अपनी कार की चालक वाली सीट पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक से दो हमलावर बाइक पर सवार होकर उनकी कार के नजदीक आए और बीजेपी नेता को नजदीक से गोली मार दी। हमलावरों ने बीजेपी नेता पर 3 राउंड फायरिंग की जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डिप्टी एसपी दवे ने दावा किया है कि शैलेश पटेल की पत्नी ने हत्या करके फरार हुए हमलावरों का चेहरा देखा है। पत्नी ने पुलिस को बताया है कि हमलावर उनके गांव के ही हो सकते हैं जहां कुछ लोगों के साथ उनकी रंजिश चली आ रही थी। ऐसे में अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करके जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद बीजेपी नेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।